मित्रों, आज दो विषय मुख्य रूप से हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। पहला विषय बिहार से संबंधित है, जहां विगत दो दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं श्री विश्वेश्वर ओझा और श्री केदार सिंह की निर्मम हत्या की गई है। वैसे तो जब से बिहार में इस महागठबंधन की सरकार आई है, तब से अपहरण की घटनाएं हो या पुलिस कर्मियों पर आक्रमण करने की घटनाएं हो या इंजीनियरों की हत्या हो अथवा महिलाओं की सुरक्षा हो, सारी की सारी चीजों पर इस कदर तेजी से घटनाओं में वृद्धि हुई है कि आज बिहार का जन जन चिंतित है। यहां तक कि सत्ताधारी दल के विधायक स्वयं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के दोषी पाए जा चुके हैं। अब राजनीतिक हत्याओं की यह सिलसिला इस घटनाक्रम को और भी खतरनाक मोड़ दे रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे सहयोगी लोजपा के भी एक नेता की हत्या हुई थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यह सुशासन बाबू के तथा कथित सुशासन की कलई खोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव से पूर्व श्री नीतीश कुमार जी ने नारा दिया था, बढ़ता बिहार। अब यह नारा बदलता हुआ नजर आ रहा है। चंद हफ्तों के शासन में बिहार बढ़ता बिहार नहीं बल्कि तड़पता हुआ बिहार नजर आ रहा है। चुनाव अभियान के दौरान महागठबंधन ने नारा दिया था कि घर घर दस्तक, सत्ता में आने के चंद महीनों नहीं चंद हफ्तों में आज ऐसा लग रहा है कि घर घर पर अपहरण, फिरौती, हत्या और आतंक की दस्तक होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की राजनीतिक हत्या को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि बिहार सरकार ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध नहीं की तो हम चैन से नहीं बैठेंगे और बिहार सरकार के विरुद्ध हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। दूसरा विषय दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संदर्भ में है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम भी देश का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय मानते हैं, उसकी गरिमा कम की जा रही है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह अफजल गुरु जिसे देश की संसद पर हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में आरोप नहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद सजा दी गई हो, और इतना ही नहीं अफजल गुरु पर अपने निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम यानी गंभीर से गंभीरतम आरोप माना, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने का दोषी प्रामाणिक रूप से माना, उसका किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करना क्या देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? ऐसा करने से क्या देश के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती हुई नजर आती है? इतना ही नहीं, हम आजादी तक जंग लड़ेंगे और भारत की बर्बादी तक जंग लड़ेंगे
ये वही भाषा है, ये वही शब्द हैं जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बैठकर भारत के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। यदि उन्हीं शब्दों की अनुगूंज देश के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक समूह बोलता है, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह गरिमा को नष्ट करने वाला नहीं है क्या? किसी भी प्रकार का राजनैतिक विरोध हो, हमारा मत एकदम स्पष्ट है, राजनैतिक विरोध हो सकते हैं पर राष्ट्र विरोध की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी प्रकार का आंदोलन आप कर सकते हैं पर हिंसा करने और हिंसा का किसी भी प्रकार से समर्थन करने, हिंसा को कोई आइडियोलॉजिकल कवर देने, हिंसा का महिमा मंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं पर जिस ढंग की अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग इसी विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा अभी चंद दिन पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के लिए किया गया, क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से गरिमा आपकी नष्ट नहीं होती? इसलिए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की गरिमा छात्रों का एक समूह नष्ट कर रहा है जो कि राजनैतिक विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोध, सांस्कृतिक आंदोलन के नाम पर हिंसा का महिमा मंडन और धरना प्रदर्शन के नाम पे अत्यंत अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां तक उसके तकनीकी पहलुओं की बात है कि कौन सा वीडियो फुटेज है, क्या है, उस बारे में तकनीकी एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं और तथ्यात्मक आधार के ऊपर जो उपयुक्त प्रभावी कार्रवाई होगी वो होगी। हां, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वामपंथी नेताओं के साथ जनता दल यू के भी महासचिव जाकर मिलते हैं। अरे भाई, आपके राज्य में अपराधीकरण हो रहा है। ये वही जनता दल यू के नेता थे जो चुनाव से पूर्व इशरत जहां को बिहार की बेटी बोलते थे, और क्या तथ्य सामने आ रहा है? तो अपराधीकरण और आतंकवाद को समर्थन देने का जो कार्य जनता दल यू के द्वारा करने का प्रयास दिल्ली में किया जा रहा है, उसकी भी हम सर्वथा निंदा और भर्त्सना करते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे देश के अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की गरिमा को ध्वस्त करने का छात्रों के एक समूह के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, स्वयं विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को आगे आकर ऐसे छात्रों का पुरजोर विरोध करते हुए इसकी अपने विश्वविद्यालय की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी छात्र का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, परंतु किसी भी तरीके से देशद्रोह का समर्थन करने वालों को बख्शेंगे भी नहीं। सर, एक सवाल है, अमेरिका पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान 8 दे रहा है, दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है, भारत ने निराशा जताई है, इसकी क्या प्रतिक्रिया है राजनीतिक तौर पर? भारत सरकार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की जा चुकी है और अन्य जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनसे, उनके द्वारा भी भारत सरकार को जो भी संदेश देना है वो दिया जा रहा है। अभी हमारी वहां लोकल यूनिट ने एक निश्चित समयावधि का समय दिया है, यदि उस समयावधि में बिहार की सरकार प्रभावी कार्रवाई करती नहीं नजर आती तब फिर आगे के विकल्पों पर पार्टी विचार करेगी। मित्रों, आज दो विषय मुख्य रूप से हम आपके समक्ष